हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मनीषा मलिक आपके अपने चैनल मनीषा मानवी ब्लॉग में स्वागत करती हूं। और आज है सैटरडे, तो सैटरडे का जो ब्लॉग है मैं संडे को डाल रही हूं। और सैटरडे को मेरे देवर का बर्थडे था, तो बर्थडे ब्लॉग मैं डालूंगी, बर्थडे सेलिब्रेशन का। तो हमने कैसे, किस तरीके से हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, किसने हमें सरप्राइज़ दिया अचानक से, इतना अच्छा सरप्राइज, सच में बहुत अच्छा लगा कि सब ने मिलकर इतना अच्छा सरप्राइज, सारी फैमिली हमारी इकट्ठी हो गई थी इतने दिनों के बाद। और आप लोग देखना कौन कौन आया है, तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, हमारी रेवाड़ी वाली फैमिली, उषा, दिनेश, उनके बच्चे रजनी, नीरज, कार्तिक, सभी अचानक से सरप्राइज देने के लिए आ गए, क्योंकि मेरे देवर का बर्थडे था और उस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक सरप्राइज प्लान कर रखा था भाई। तो इन्होंने किसी को नहीं बताया, अचानक से ही बगैर बताए आ गए, और फिर ये हमारे पास भी आए हुए थे। और अभी ये सभी रेडी होके आए हैं और अभी जाएंगे मुरथल खाना खाने के लिए। वैसे तो खाने का टाइम था, लेकिन खाना तो हम सबको बाहरी खाना था, तो अभी हम चाय बना रहे हैं और सारे बच्चे यहाँ सब खड़े हैं। ये शांत है, देखो पूरी फैल चुकी है, और क्योंकि चाय खाने का टाइम था तो खाने की तैयारी कर रहे थे। बस एक जबान फोटो बढ़िया फोटो कर रहा हूँ, फोटो खींचा है जो आप कह रहे थे चल हो गया। सभी अगले रूम ड्राइंग रूम में बैठे थे, मेरे सास ससुर हैं, ताई जी हैं, दिनेश है, मेरे हस्बैंड सुंदर जी, देवर जी जिनका बर्थडे है, ये तीनों बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं अपनी पुरानी, कैसे क्या होता था और अब क्या हो रहा है, चेंज हो गया है। ये देवर जी हैं जिनका बर्थडे था, और ये है नीरज, और ये सब भी बातें कर रहे थे। डिसाइड भी नहीं किया है इन्होंने कि कहाँ जाना है, बस ये है कि बाहर खाने के लिए जाना है। और बच्चे सब रेडी हो चुके हैं, सभी तैयार हैं, और हम सब यहाँ बैठकर चाय का एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं। ये मेरी ननंद है सुनीता, बहुत अच्छी है, और ये रजनी का भाई है, और उधर उषा का बड़ा बेटा देव, और ये मेरी ननंद की बेटी है। सभी ने काफ़ी सारी बातें की, और ये देवर जी जिनका बर्थडे है भाई। बाय दादी, बाय कर दे दादी, बाय बाय कार्तिक, आए तो थोड़ी सी देर हो, आमना ना ले जाता तू, तैयार हो रहे, देख मेरे तो एक बार भी झूठे नहीं गई। हाँ इतनी दूर ले, ये तो चलो आ रहे हैं, इन्हें तो सरप्राइज दिया, तू मेरे तो कह देता तू चाल एक बार, मैं तो कहूँ थी कड़ा होटला में जाओ, हरी सब्जी बना रखी, हरी सब्जी बना रखी, बाजरे की रोटी चूल्हे पे, होटला ना माफ करेगी, खाओ नूनी घी लस्सी रही और के चाहिए, सही में ताई आ जाओ, अरे देखी की सा देवर को ना, बस कुछ फायदा नहीं, एक बबी नूनी की भाभी तू भी चाल, कति कसूता आज तक इतनी बुंडी, आज तो इतनी बुंडी बेइज्जती कर दी, बस आज जी सी और फिर के था तेरा पर हंसता, मैं चाहूं हो चाह ना जाऊं हो, देख लेता एक बबी नहीं कही तू गाड़ी में तो गाना हो। फिर हम अपने देवर के साथ काफ़ी सारी मजाक कर रहे थे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, हमें हमें छोड़ दिया, बाकी सब जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने मुझे भी बोला था और सभी को बोला था, बस मैं तो इसके साथ मजाक कर रही थी। और ये मेरी माँ और सब लग रहे हैं कि भाई इतनी रात को कहाँ जाओगे और जल्दी आ जाइयो, समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि सभी साथ जा रहे हैं।
क्या ले रहा कार्तिक गन भी साथ लेके चल रहा है तेरा फोटोग्राफर आवे है कौन है अच्छा यूँ बता दे कि इस देवर का मेरे का जन्मदिन है हम पार्टी के लिए नहीं पार्टी पार्टी नहीं दे रहा ये और क्या मेरे को तो बुलाया नहीं देख मेरी किसी बेइज्जती करी है तो नहीं कोई पीछे तैयार होंगी मैं 5 बजे ही आए जब तक ही होगी आए 5 इन तो बेचारे अपने आप आ रहे हैं तो इसने देने अग भी हमने करनी है पार्टी चलो कोई नहीं मारा आशीर्वाद है भी जानते कहेंगे ये मेरी दूसरी ननंद का घर है यहीं सेक्टर 23 में ही रहती है अभी ये इनके पास मिलने गए हैं क्योंकि इतनी दूर से आए थे अभी सभी से मिलेंगे और फिर उसके बाद सभी जाएंगे बाहर खाना खाने के लिए और ये उनका ही घर है मेरी ननंद का इन्होंने अभी बनाया है जब तो मनाना शुरू कर दे जब सही है उन्हें कार्तिक हम लोग बना लिए और अब डिनर के लिए हम पहुंच गए मुरथल पहलवान ढाबा है वहाँ सब है मेरी पूरी फैमिली आप मेरी पूरी फैमिली से मिल चुके हैं और पहचान लेना कि कौन कौन आया है और कौन रह गया है क्योंकि लेट प्रोग्राम बना था तो सब नहीं आ पाए सब कुछ ने खाना खा लिया था तो कुछ रहते थे सरप्राइज था भाई अचानक से तो एकदम से सब का नहीं हो पाया किसी का काम भी था तो सब नहीं आ पाए थे और आप पहचानना कौन कौन आया है और कौन रह गया है इसमें ये सभी पहुंच गए हैं पहलवान ढाबे में और अभी करेंगे एंट्री हो गया ये कुछ ले नहीं रहे कार्तिक और सारी बुआर मिलाई था साइड में फिर अच्छा एक बार बार एक बार यहाँ हुआ ब्यूटिफुल बर्थडे फॉर ब्यूटिफुल पर्सन और काका जी ओके सो फर्स्ट हैव ए बिग क्लैप फॉर हिम सो प्लीज एवरीबडी स्टैंड अप एवरीबडी स्टैंड अप वेरी गुड इंग्लिश ना समझते करी बोले दादी दादी बैठी रहेगी दादी बैठी रहेगी काका जी प्लीज कम फॉरवर्ड आगे आइए प्लीज आप ना प्लीज कम फॉरवर्ड
यस सो यहाँ बैठो यहाँ बैठो सभी लोग क्लैपिंग करेंगे कहाँ से काटना ये बताओ कहाँ से हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए प्लीज क्लैप तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आशीर्वाद दे दे साथ में भी खिंचवा दो एक उम्र दे भाई मैं आऊंगी पर दी मैं हुई माँ तो छोटी थी तो दी मैं ऐसा ही बात है फोटो ले लिए बाइक के मेरा फोन ना लेंगे फिर ले लेंगे फोटो मामा के मैं तो मैं मामा के मैं खींचूंगा पर मैं बिना खींचती हूं सारे घर वही है अरे घर आ जाना है घर ही जाना है मामा नानी रास्ते दिखा के नानी देखो फोटो आ जाओ भाई आ जाओ फ्रंट साइड फ्रंट साइड तू अपोजिट में खड़ी है ले बे खींच दे फोन तू आपका आने वाला जीवन बहुत ही अच्छा रहे सफल रहे और आपका स्वास्थ्य स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे ये मेरी तरफ से कामना काका जी के लिए थैंक यू वेरी मच जो काट काट के पड़ा थोड़ा हरी से थोड़ा हले ले ना मत या चमचा चम्मच ले ले बस मड़ा हूं आज आंग आदु से ले ले इतना हूं तुम्हारा चलो करो मत आ जाओ भाई अमन मीशू कित गए तू भी आ जा नहीं जाओ फोटो खींचना हाँ भैया तू साइड तक बना देखिए साड़ी की बात काकी काका जी को केक खिलाने वाली है काकी जी काका जी को केक खिलाने वाली है तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए जोरदार तालियां प्लीज जोरदार तालियां यस वेरी गुड काकी जी इस बर्थडे पे काका जी को कैरी है कि कल जब बर्थडे के बाद मुझे एक सुंदर सी साड़ी दिलवाएं काकी जी ने कहा काका जी को तो काका जी ने हाँ भर ली है नहीं अच्छा ठीक है अच्छा साड़ी तो पक्की होगी दोनों साइड दादू लो वेरी गुड खाओ लोग उनका मात बिगड़ा हो रहा है
मेरे मुझे साथ में ये ले रहे हैं ना हर्ष फोटो चल भाई दादू तक देख दादू तक देख तू आज तू मैं भी आप देख चीज कर चीज बच चलो बच जा निशु दे तुम भी आ जाओ तुम प्रिंस चले आ जा तोरे रे निशु एक फोटो थोड़ा सा ले ले और फिर उस साइड में तू साइड में चला जा इनके ले लिए ये करवा ले उनको और ये अभी आने वाली है काका की फेवरेट बेटी आ रही है यहाँ पे केक काटने के लिए यस सो आई होप एवरीबॉडी इज ओवर नाउ निशु खींच दे फोटो मैं खींचू ले रितु लंबी हो गई खिंच अब तो घनी छोटी लाग गए ये मड़ा मुंह का तल्ला जो लीप जो ही केक फिर केक नहीं बच्चे का थोड़ा वेट कर रहे थोड़ा ना अभी नहीं नहीं अरे नहीं नहीं मैंने कब कहा है नहीं तो वेट कर रहे हैं खाने का वेट कर ले यस ऑफ कोर्स ले ले ये लाओ कर दे एक भाई नोट खवा दे वैसे ही बारिश का भी है इसका भी मां बस मारा अभी एक बर्थडे हमारा पूरा वो अभी हुआ है अभी मैं और ये एक मिनट वो देखो ये एक काका जी को ये देखो देखो फोटो लीजिए थैंक यू मैं भी हूँ इंदिरा तक झंड है माड़ा हल रुक जाओ इधर देखो रेहू सा सब कसा लाख आओगी रुक जाओ ये बड़ा केमन ने भी दे सेल्फी यार है की हाय मैं मार दे एक खड़े परी मैं भगवान ए ले लो नहीं बे सेल्फी में के के रुबाउली और इधर जन्म में मना ले जन्म में इस क्या रुक मैं स्पेशल फोटो दे दे लो मैं खींचूंगा हाथ मार के लिए हम जब चलेंगे तो ग्रुप फोटो लेंगे होटल के बाहर जो हमेशा यादगार फोटो रह गए तो यू अच्छा का काम है बोलने का है रजनी टाइम लगेगा बीटी थोड़ी स्माइल भी कर लो किस्मत किस्मत मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने अच्छे फंक्शन में शामिल हुए हो
और मैं चाहता हूँ आप भविष्य में ऐसे शामिल होते रहे और अपनी दुआएं देते रहे। थैंक यू वेरी मच। दादी ओके काम वो चित्ता की एक्टिंग करनी करनी है जो दोनों माँ बेटी अलग से बतलाओ सो बचपन की कर देवा बारह सा ती आ रोटी ही थी जिनने रोटी ले ली थी ना घी दरवा मारा आटा टी आता इस पर्ची में क्या लिखा हुआ है? बुआ जी को अपनी मर्जी से जोर से हंसना है। चलो हम तीन लेने के बुआ जी हंसेंगे फिर साथ साथ हंसना। एक दो तीन ये पागल आ रही है सारे देखो हमने एक चीज अपनी लाइफ में सीखी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग दुनिया में ये सबसे बड़ा रोग है उसको भूल जाओ आप ना आप तो भूल रहे हैं आप तो नहीं कभी भी नहीं करना लाइफ में दुनिया में ये कहावत है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग लोगों की चिंता नहीं करनी हमें ये हमारी दुनिया हमारी जिंदगी हमारा वर्ल्ड है वी शुड एंजॉय लोग क्या सोचेंगे ये हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे बिल्कुल वो हंसी नहीं है देखो डाइवर्ट नहीं हो ना मैं बुद्ध से ना अभी वो हंसी नहीं है आप लोग तैयार हो था हंसने के लिए ना चलो दुआ के लिए ताली आ गई गवाही अब हम खाना खा के एनर्जी पाएंगे ठीक है फिर उसके बाद हम जब चलेंगे तो फोटो लेंगे गेट के बाहर और उस फोटो को मैं पोस्ट करूंगा अपने लिंक्डइन अकाउंट पे लिंक्डइन अकाउंट है जो जो सबको देख सकता है कोई जो प्रोफाइल भी रहता है इस पे ना एक्चुअली लिंक्डइन अकाउंट तो जब मैं कोई फोटो पोस्ट करता हूँ तो मेरे कम से कम 5,000 व्यू आते हैं उस पे ना तो उसकी सैलरी भी मिलती होगी बड़ा फायदा तो देख रहा है सैलरी नहीं लेता मैं सैलरी तो मनीष का की लेती हूँ उसकी ना मनीष का यूट्यूब चैनल है Yes, job. Don't take on otherwise your own heart. Naya, the recording होगी आपकी. Don't take it serious. ना और बताओ बेटा. और serious लेना तो ले लो भाई. हाँ नहीं नहीं मजाक का मतलब भाई. कोई नहीं नहीं मजाक है ये तो. कोई सौ रुपया मान दे तो मर गया भाई. कुछ मिल जाए. देखो कार्तिक की फोटो आज. ओ तेरी का माँ बेटा ये ना डर. फोटोग्राफर तो पहला ना गरीब राम राम नमस्ते ठीक सो तुम ठीक सो बेटा तुम सुनाओ हम बढ़िया बिल्कुल कत्ती तुम ताते को ना फिटते भी को ना वो कित गया छोटा नीला नीली अच्छा बेटा चलो
आइयो जरूर मिलके जाइयो हमसे। आज यो बाजरे की रोटी खवाऊंगी तुमने अपने हाथ कति नरम नरम बढ़िया कड़कड़ी। और बताओ अरे कित गई मोटी केकरा है इसका तो है ना अरे तो इतने भोगे मोटे मोटे तो मारा इसे इनका केकरा है इनकी चिंता रहो है मन्नत है वाजी के लिए ताली बजाओ पहले पहले ताली वो भी नहीं अंतर में क्या करना नहीं नहीं वाजी अपना एक मनपसंद गाना गाएंगी भाई के बर्थडे पे ना तो मनपसंद गाना गाएंगी सुनो सुनो और आपको साथ में लय में लगना हैप्पी बर्थडे भैया भैया से बोलते जब भी बात थोड़ा ना चेंज करते हैं दो शब्द कहने आप हमारे काका के लिए इतने कह दूंगी कि थोड़े पढ़ेंगे मेरे दोस्त चलो स्टार्ट आपको भैया की तीन अच्छी क्वालिटी बतानी है सबसे अच्छी क्वालिटी जो आपने अपनी लाइफ में अच्छी लगी हो हाँ। भैया की तीन अच्छी क्वालिटी पहली बनना तो घना प्यार करे हमारी सारी बाणा जलता करे जिंदगी में इतनी सफलता पावे इतनी पावे का हमें इतने फसरम है बाण भाई कभी कटे भी मारा कोई नहीं होगा जिंदगी लाओ मेरे भाई कितनी लंबी जिंदगी लाओ और हम सारे बाल भाई गाना तो मैं आपके बड्डे बगाऊंगी जीता सारी का चल लगा बाण भाई आप इसको पता बुलाओ नहीं था फिर मैंने अभी अगली अगला एक बंदा मैं चूज करता हूँ काकी से अब काकी पर्ची उठाएंगी लाओ भाई रुमाल तो रख दे बेटा मैं पकड़ी कितनी बड़ी बात है यार अपनी खास दोस्त की एक्टिंग कर ली रजनी की काकी देख लो ताड़ियां बजाओ ताड़ियां बजाओ इतने वाह बात बतानी जैसे सब तगड़ी चुगली कर रहे हैं सुनो रूबरू एक्टिंग कर तो पूरे ब्लॉग में जब हम खाना खाने के लिए गए तो आप लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे तो मैं नहीं जा पाई थी भाई अंजलि गई थी और बाकी हमारी सारी फैमिली थी और हम नहीं जा पाए थे हमें थोड़ा सा काम था और हम खाना भी खा चुके थे इसलिए मैं नहीं जा पाई थी। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ब्लॉग को पूरा देखा करो बीच में स्किप ना किया करो पूरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ।